पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित पेंगोंग झील के दक्षिण में भारत का वर्चस्व है, तब अपनी करतूतों से बाज नहीं आने वाले चीन ने झील के उत्तर में फिंगर एरिया में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। 7 सितंबर को दक्षिण तट पर झड़प के तुरंत बाद चीन की यह गतिविधि सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। वे अपने साथ अधिक साजो सामान ला रहे हैं। दोनों ओर के सैनिक के बीच काफी कम दूरी है। पेंगोंग झील या पेंगोंग तत्सो लद्दाख में भारत चीन सीमा के विवादित क्षेत्र में स्थित है। ये 4,350 मीटर की ऊंचाई पर है और 134 किलोमीटर लंबी लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। लद्दाख में पेंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से भारत के कब्जे में है। यहाँ पर कई पहाड़ियाँ चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो चुका है। बता दें कि ये सभी इलाके 1962 की जंग में भारत से छीन गए थे। भारत के सैनिक अब पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर बैठे हैं जबकि चीन की सेना निचले इलाकों में है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे की तुलना में दक्षिणी किनारे के आसपास की जमीन ज्यादा समतल है और चौड़ी है और ये रास्ता लद्दाख और चुशुल घाटी तक भी भारतीय सेना की पहुंच को आसान बनाता है। ये रास्ता जिन पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है उनकी ऊंचाई 16,000 फीट तक है और अब भारत के सैनिक इन पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद हैं। झील के उत्तर में फिंगर एरिया है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक भारत मानता है कि फिंगर 8 तक उसका इलाका है। फिंगर 4 की एरिया पहले से ही भारत के कंट्रोल में रही है लेकिन मई में चीनी सैनिक फिंगर 4 तक आ गए और वहां से लेकर फिंगर 8 तक कई स्ट्रक्चर बना लिए। भारतीय सेना भी फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों के आमने सामने डटी है। 2 दिन पहले तक गतिरोध का सबसे बड़ा पॉइंट ये फिंगर एरिया ही था। कई राउंड की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत के बाद चीनी सैनिक जुलाई के पहले हफ्ते में फिंगर 4 एरिया से पीछे तो हटे लेकिन इसकी चोटी पर वह अब भी मौजूद है।